सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो कल्याण टीवी पंजाब ते मैं हर्षपाल सिंह। बठिंडा बस स्टैंड तो दो बच्चों की माँ गुम हो गई। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए दस्या कि जदों असी गश्त कर रहे सन तां दो बच्चे रो रहे सन अते जदों असी उन्हां तों पुछ पड़ताल की तो उन्होंने कहा कि साड़ी मम्मी सानू इत्थे बिठा के इत्थे चली गई पर हुण उह मिल नहीं रही। पुलिस अधिकारियों ने उन बच्चों तो पुछ के उन्हां दे पिंड दे सरपंच मंडी कलां नूं फोन किया तो पुलिस ने उसके पिता तक पहुँच की पर उन्नी देर नूं उस बच्चों की माँ और उसका मामा पुलिस कोले पहुँच गए सन। पुलिस अधिकारियों ने दस्या कि यह घटनावां अक्सर ही वध रहियां हन अते हैरानी की गल यह भी है कि दो तीन घंटिया तो पुलिस बच्चों के माँ प्यो नूं भाल रही सी पर उसकी माँ ते होर किसी ने भी पुलिस तक पहुँच नहीं की जदों के बच्चे बस स्टैंड ते ही बैठे सन। हैरानी की गल यह है कि घटनावां लगातार वध रही हैं। पुलिस अधिकारियों ने दस्या कि पिछले दिन भी इस तरह की घटना वापरी सी। इसने छोटे बच्चों नूं भीड़ भड़ वाली जगह से नहीं छड़ के जाना चाहिए तो अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। की कहना है उस लड़की का तो पुलिस अधिकारियों का, वो तुहानूं सुणाउने आ। हाँ जी, की नाम है जी थोड़ा, केड़ा पिंड है? केड़ा पिंड है जी? की गल हो गई सी थोड़े बच्चे जेड़े गुम हो गए सी? बच्चे दुकान ही गए सी सर, दुकान भी नहीं सी सारी होए सी मरे पैसे दे करवाने सी जरा भाई है जी मेरा ते बस उधर शायद एस थोड़ा तरह हो गए बस वसी रहे। फिर किने लब के देते हैं? की कहना चाहोगे पुलिस ने लब के देते हैं? आधार कार्ड का फंड बहुत ज्यादा रश होंगे थले अज भी जो अस बस स्टैंड चैकिंग कर रहे एस एच जसविंदर सिंह मैं जी सीनियर कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह पी एच जी हरप्रीत सिंह असि सारी गश्त कर रहे सानू किसी ने दसिया कि दो बच्चे है 8-9 साल के जिहड़े कि रोई जांदे आ वो अपने माता नालों अलग हो गए। असी बच्चे उपर लिया जी लिया के पूछा बच्चों ने दसिया कि इंटैलीजेंट बच्चे से वह आते कि साडा पिंड मंडी कला है तो साड़ी मम्मी साढ़े नाल सी पर सानू इतने बिठा के कितने चले गए वो हुण सानू मिल नहीं रहे। फिर साडे एस सी जसविंदर सर जी ने उन्हां बारे बच्चों के पता करने लई मंडी कला सिटी रामपुरे थाने फोन किया सदर किया फिर उन्होंने पिंड का नंबर लिया जी पिंड का संपर्क करके बच्चों का दसिया फिर उन्होंने फादर नाल गल हुई जी उन्होंने फादर ने गल करके फिर आपके साले यानी कि बच्चों के मामे को माता भेजिया तकरीबन 2-3 घंटिया बाद पेरेंट्स आए है जी। दो बच्चे से जी, एक का नाम सीगा जी मनजोत सिंह 10 साल तो एक युद्धवीर सिंह 8 साल का जी। तो हुण उन्होंने पेरेंट्स आए हैं हुण उन्होंने मतलब बच्चों उन्होंने सपुरद किया जी सही सलामत। बिल्कुल अपील करनी चाहोगे जो इस तरह पहला भी कई बार इस तरह के हो? हाँ जी, कुछ दिन पहला भी ताडे ध्यान च है कि 4-5 साल की बच्ची हुई सी वह भी सोशल मीडिया राही 6-7 घंटे बिठा के पेरेंट्स तक गल बचा के बुलाई सी। ये तकरीबन नहीं होया पाया जी कि बच्चों माँ पेरेंट्स छोटी छोटी उम्र के बच्चे जिन्होंने पता भी नहीं लगता कि साडा नाँ की उम्र किन्नी है असं कितों हैं उन्होंने इतने भुल जाते हैं जो कोई हफड़ा दफड़ी है जो इन्होंने कोई ज़्यादा रश का कारण ला लो कि रश ज़्यादा हो जाता है बच्चों इस तरह अणगहली बिठा जाना कि तुम बच्चों इतने बैठो असी दुकान तो समान फड़ लीए क्योंकि जो इन्ना रश बच्चे देखते तो बच्चे पजल हो जाते हैं वो जिते माँ प्यो बिठा के जाता उ नहीं स्टेबल होंगे नहीं रेंदे उत्थे फिर माँ पेरेंट्स नूं बच्चे नहीं मिलते बच्चों पेरेंट्स नहीं मिलते इस हफड़ा दफड़ी के किसी न किसी दिन बहुत वड्डा नुकसान हो सकता है। एक पेरेंट्स नूं मतलब एक जिम्मेवार मापियां दे होण दे नाते असीं अपील करते हैं कि कदें भी इन्नी भीड़ भड़के वाली जगह जनतक जगह के अपने बच्चों को अलाउन ना छड्डो कल्ले ना छड्डो घट्टो घट्ट उन्होंने मतलब लैके ना आओ जो लैके आने तो अपने 2-3 मैंबर हो जिन्हों को बच्चे छड़े जाने क्योंकि हम माहौल ही इस तरह का कल्ले बच्चे छड़ने का बहुत वड्डी बेवकूफी है जी।